नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल लुक माय नट्स। दोस्तों, आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कोरोना वायरस की जंग को जीतना, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उस कोरोना वायरस की जंग को जरूर जीतेंगे। अब उसको क्या करना है कि आप अपने घर में रहें। सबसे बड़ा मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है कि आप बाहर ना निकलें, आप अपने घर में रहें, सेफ रहे। आपके लिए सरकार, आपके लिए जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, जितने भी डॉक्टर्स, जो भी एक्स वाई जेड जितने भी लगे हैं वो आपके लिए लगे। आप घर में सुरक्षित रहे, हम आपके लिए आपके दरवाजे के बाहर खड़े, आपके पास कोरोना को नहीं आने देंगे। बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए और अपने घर में रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेन मकसद है अपना, जो गठनों के बारे में आपको सिखाना है, तो शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए तीन गठने लेके आया हूँ। तीन में से सबसे पहले सीखूंगा क्लोहिच। अब दोस्तों, क्लोहिच एक कोई नई गठन नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत पुराने दौर से चलते आ रहा है। अब इसका इस्तेमाल की बात करें तो गांव घर में जैसे गाय भैंस पालते हैं तो उनको खूंटे से बांधने के लिए इस गठन का इस्तेमाल करते हैं। इसको देसी भाषा में खूंटा गठन भी कहा जाता है। और दूसरी है दोस्तों सिंगल कंस्ट्रक्टर हिच। अब सिंगल कंस्ट्रक्टर हिच का इस्तेमाल कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उसके साथ साथ तीसरी गठन है डबल कंस्ट्रक्टर हिच। और जो तीनों गठने में दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये गठने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट हमारे निजी जीवन के लिए भी है, या चाहे कोई रेस्क्यूअर है उसके लिए भी, या कोई और भी है जो रोप के साथ काम करता है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते रहे, और बाकी इसके अलावा बहुत सारे गठने जो इंपॉर्टेंट है उसके वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है उसके बारे में तो ऊपर के आई बटन को प्रेस कीजिए, उसके अंदर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं और सीखते हैं, जानते हैं, इनकी पहचान कराते हैं और इसका उपयोग भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहे ये तीनों गठने। चलिए दोस्तों, गठानों में नंबर वन पे देखते हैं क्लोहिज। तो क्लोहिज को लगाने से पहले हम उसके थोड़े उपयोग की बात करते हैं। तो दोस्तों, जनरल उपयोग है इसका किसी भी चीज़ को जकड़ के रखना या बांध के रखना। अब उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो जैसे हम गाय भैंस को खूंटे से बांधते हैं, वो भी हो गया। या और उदाहरण लेके देखें तो जैसे अपने पास लकड़ी के गठरी बनाने, बहुत सारी लकड़ी है उसको एक साथ बांध के रखना है, उसके लिए भी क्लोहिज का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे जगह दोस्तों क्लोहिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं क्लोहिज कैसे लगाने। आज मैं आपको दो टाइप से क्लोहिज लगाना सिखाऊंगा। एक वो है जो हम माला पहनते उस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लोहिज को माला पहनते हुए लगा सकते हो। या दूसरी तरह देखा जाए तो जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, पेड़ हो या कोई खंभा हो, जिसके ऊपर आप माला पहनाते उस तरह से अगर आप पहना नहीं पाओगे तो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से आप क्लोहिज कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना है जिसके ऊपर हम माला पहना सकते हैं उस तरह से अगर आपको पहना सकते हो तो उस टाइप की क्लोहिज कैसे लगानी है, अपने हाथ के ऊपर बना सकते हो आप जैसे भी। तो आप देख लीजिए, आपने अगर इस तरह से क्या करना है, एक लूप बना लेना है। ये लूप बन गया दोस्तों। अब ये लूप बनने के बाद क्या करना है, यहाँ एक उल्टा लूप बना लेना है इस तरह से। आपको यह दिखाई दे रहा होगा एक लूप, दो लूप। अब यार ध्यान देके देखिए, एक लूप का जो सामने के साथ जो मतलब रनिंग पार्ट है, अब इस रोप के दो रनिंग पार्ट हो गए, एक रनिंग पार्ट, एक रनिंग पार्ट। तो ये रनिंग पार्ट क्या हो रहा है, इसके नीचे से आ रहा है, एक रनिंग पार्ट ऊपर से आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको एक दूसरे के ऊपर लगा देना इस तरह से। अब ये लग गया दोस्तों। अब ये लगने के बाद इसको आराम से उठा दीजिए। अब मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मेरे पास बोतल है तो बोतल को ले लेता हूँ। तो बोतल को लेने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ से मैं जैसे हम माला पहनाते हैं उस तरह से मैंने इस बोतल के ऊपर क्या कर दिया, क्लोहिज को लगा दिया। क्लोहिज को लगाने के बाद यहाँ बढ़िया से टाइट कर दो। अब कोई भी गठान, कोई भी नट लगने के बाद आपको एक सेफ्टी नट लगाना बहुत जरूरी है। तो ये मेन नट लगने के बाद आप क्या करते हो, इस तरह से कुछ एक सेफ्टी नट्स लगा देते हो, तो ये क्लोहिज यहाँ पूरी हो जाती है। तो ये हो गए दोस्तों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम माला पहना सकते हैं उसके ऊपर लगाना। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों कि जैसे अपने पास का कोई पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ हमें क्लोहिज बनानी है, तब के लिए क्या करना है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट के तौर पे मेरे पास एक स्टिक है, ये ले लेते हैं। अब स्टिक के ऊपर मैं आपको ला के दिखाता हूँ कि क्लोहिज कैसे लगती है। तो मान लीजिए इस तरह से देखिए, रोप को आया कर दिया, यहाँ से पीछे ले लिया। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस डाल देना है, इसके ऊपर क्रॉस हो गया। फिर नीचे से आपने ले लिया और ये जो हिस्सा जो सामने का, इसके नीचे से लगा के आपने ये जो रनिंग पार्ट, इसको आगे लेना है। ये लेने के बाद दोनों तरफ के हिस्से बढ़िया से टाइट कर दीजिए। ये टाइट हो गया दोस्तों, तो ये बन गई क्लोहिच। देखते हैं नंबर दो की गठाने, सिंगल कंस्ट्रक्टर हिच। तो सिंगल कंस्ट्रक्टर हिच के अंदर भी वही दो कंडीशन है। आपके पास अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मिलता है जिसके ऊपर माला पहनाते हो उसी तरह से पहना सकते हो तो उसके लिए कैसे बनानी है, या ऑब्जेक्ट अगर आपका माला पहनाने लायक नहीं है, मतलब पेड़ है, खंबा है, ऐसे चीजें उसके चारों तरफ बनाना है,
तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट के ऊपर केसे बनाने सीखा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, माला पहनाते हुए इसे केसे बनाने। अब इसका एक आसान तरीका है, आप ध्यान देकर अगर देखेंगे तो एक ही बार में आप सीख जाएंगे। अपने क्या किया दोस्तों, इस तरह से एक लूप बनाएंगे। देखिए लूप को भी ध्यान देकर देखिए, इस तरह से आपने एक लूप बना लिया। लूप बनने के बाद जो ये हिस्सा यहां से पकड़ के क्या करना है, इसको इस तरफ लगा देना है। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, ये लूप अपना यहाँ था, इस लूप को यहाँ पकड़ लिया और इस तरह से यह लगा दिया। अब क्या करना है, इस लूप के दोनों तरफ बीच में उठाना है, इस तरह से ये उठा लिया। अब मैं लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते दोस्तों, जैसे हमने पहले बोतल ली थी तो मेरे पास फिलहाल वही ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो मैं बोतल ले लेता हूँ। ये आ गई बोतल। बोतल लेने के बाद जैसे माला पहनाते हैं, जैसे मैंने कहा था माला पहनाते हैं, इस तरह से हम इसको जो सिंगल कंस्ट्रक्टर है इसको पहना देते। देख लीजिए आपको गठन को क्या बाद में थोड़ा सेट करना होता है। ये हो गया अपने सेट। ये अब ये जो कंस्ट्रक्टर हिच है, सिंगल कंस्ट्रक्टर हिच या कंस्ट्रक्टर हिच, ये अपनी बन गई है। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर से सिंगल रोप का हिस्सा आया हुआ है। ये हिस्सा अगर आपको दिखने दे रहा देख लीजिए, सिंगल एक रोप का हिस्सा आया हुआ। तो ये हो गई सिंगल कंस्ट्रक्टर हिच। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि अपने पास अगर ऑब्जेक्ट पेड़ है उदाहरण के लिए, तो उसके ऊपर कैसे लगानी वो देख लेते हैं। या पेड़ भी नहीं, कुछ ऐसी चीज जिसके ऊपर आप माला पहनना आपसे पॉसिबल नहीं है, तब आप कैसे लगाओगे वो देखना है। तो अब मैंने क्या किया, दोबारा बोतल को ही ले लिया। बोतल के ऊपर कैसे लगानी देख लीजिए, रोप का सामने का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, तो मैं कर दिया रोप से एक आटी इस तरह से लगा दी। ये लगने के बाद ये जो हिस्सा यहाँ क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस हो गया दोस्तों। क्रॉस होने के बाद दोबारा उसको उठा के ये ले लीजिए, ये ले लिया। अब आपको यहाँ ऐसे लग रहा होगा कि जो गठन बन रही है क्लोहिज बन रही है। तो मैंने पहले कहा था आपसे कि जो गठन है ये क्लोहिज का अपडेट वर्जन है। तो ये क्लोहिज लगने के बाद आप क्या करना है, इसके नीचे से लगा देना है। यहाँ से ये जो हिस्सा ऊपर वाला, इसके नीचे से लगा देना है। ये सामने निकाल दी। सामने निकालने के बाद ये जो सामने का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, इसके भी नीचे से निकाल के सामने निकाल देना है। ये हो गई और इसको बढ़िया से आप टाइट कर दीजिए। मैंने पहले बताया था गठन को सेट करना पड़ता है, सेट कर दिया आपने दोनों तरफ मजबूती से, ताकत से टाइट कर दी और ये आपने बन गई सिंगल कंस्ट्रक्टर हिज। अब एडवांस नॉलेज के तौर पे और एक बहुत ही आसान तरीका बताया, तो इससे आसान तरीका इस गठन को लगाने का कोई हो ही नहीं सकता। उसके लिए क्या करना है, आपने फटाफट एक क्लोहिज लगा देने, जैसे कि हमने शुरुआत में क्लोहिज को सीखा है, तो हम इसको क्लोहिज लगा देंगे। क्लोहिज में थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए क्या है, जो दोनों तरफ दो हिस्से निकले, ये एक हिस्सा निकला है, एक हिस्से निकला है। अब दोनों तरफ किसी भी हिस्से की तरफ से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरफ का हिस्सा आप ले रहे हो तो इसके साथ उसको आटे लगानी है, और अगर आप इस तरफ का हिस्सा ले रहे हो इस तरफ का, तो इसके साथ आटे लगानी है। तो मैं चाहता हूँ कि सामने वाला कर लो, ये अपना इस तरफ से आगे गया हुआ है, तो इस सामने के हिस्सा लेना है। करना क्या है, इसको आटे लगा के बस इसके नीचे से लगाना है और सामने निकाल लेना है। सामने निकलने के बाद ये बन गया आपकी सिंगल कंस्ट्रक्टर हिज। जैसे हमने सिंगल कंस्ट्रक्टर हिज को देखा, तो उसी तरह से हम लगाएंगे डबल कंस्ट्रक्टर हिज। तो क्या करना है, जैसे रोप के दो हिस्से, एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया, तो इस तरफ के हिस्से के ऊपर क्या करना है, इस तरह से आपने एक लूप बना लेना है। ये लूप बन गया दोस्तों, यहाँ बनने के बाद इस तरफ से एक लूप इस तरह से बना देना है। ये बनने के बाद देखिए, अगर ये दो हिस्से आपने अलग थे अगर सटा दिए, तो ये यहाँ एक आठ का अंक बन गया, दो लूप बन गए। तो दो लूप बनने के बाद क्या करना है दोस्तों, सामने का लूप थोड़ा बड़ा कर देना है। अब यहाँ ध्यान देकर देखिए, यहाँ थोड़ा आपको समझने की चीज है, एक हाथ से यहाँ पकड़ा, एक अंगूठे से यहाँ दबाया, इसको पकड़ा और इस तरह से पलटी मार दी। यहाँ दोबारा एक बार देखा जाता, इस तरह से लूप बनाया हमने, एक अंगूठा यहाँ रखा, हाथ से पकड़ा और इसको यहाँ पलटी मार दी। अब दो लूप के तीन लूप बन गए, एक दो और ये तीन लूप, आपको नहीं दिख रहा तो सामने कर ले, तो एक दो तीन लूप बन गए, जिससे हमने इस लूप को यहाँ से उठा के यहाँ लगाया। अब इसकी बारी, इसको उठा के इस लूप के ऊपर लगा देना है, लग गया दोस्तों। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा लगभग आठ जैसी आकृति बन गई। अब बनने के बाद क्या करना है, बीच में पकड़ना है सबको और उठा लेना है हाथ में इस तरह से। ये उठा लिया दोस्तों, इस लूप को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद अपने पास ऑब्जेक्ट वही है बोतल, तो उसको लेते हैं और इसके ऊपर माला पहनाते, उसे पहना देते हैं। ये बोतल को देखिए यहाँ से पलटी करके देख लेते हैं क्या बना है। तो ये बन गई दोस्तों अपनी
डबल कंस्ट्रक्टर हिच, मैंने पहले कहा था जो नट्स होते हैं, जो गठन होते हैं, उसको आपको सेट करना पड़ता है। तो ये हो गए। अब यहाँ देखिए, अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, ये यह दो रोप इस गठन के ऊपर से जा रहा, मतलब दो रोप जा रहा है, सिंगल में सिंगल जा रहा था, इसमें डबल जा रहा है, डबल जा रहा है, इसी का मतलब है डबल कंस्ट्रक्टर हिच। और यह जैसे नॉर्मल तौर पे एक सेफ्टी नेट लगा देने जिससे कि गठन ढीली ना हो। अब देखा तो आपको कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अलग टाइप का है जिसके ऊपर आप माला नहीं पहना सकते, उसके ऊपर कैसे पहनाना है, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट मैंने लिया, वही स्टिक ले लेते। स्टिक लेने के बाद क्या करना है, इसको एक पलटी मार दी, यहां से एक आटी मार दी, फिर एक क्रॉस में आटी मार दी, दोबारा एक क्रॉस में आटी मार दी, दो बार क्रॉस में आटी मार दी, ये देखिए कुछ इस तरह से ये दो क्रॉस में आटी होगी। अब ए होने के बाद क्या करना है, यहां से ये रोप कहां से, इधर से निकल गया, सेम वही इन दोनों के नीचे से ये हिस्सा है, इसको सामने निकाल लेना है, ये निकल गया सामने, सामने निकल गया। और जो ये हिस्सा पीछे का जो पहली आटी, इसके अंदर तरफ से निकाल के, इसके अंदर तरफ निकाल के सामने लेके आना है ये, और इसको बढ़िया से टाइट कर दीजिए, इसको बढ़िया से टाइट कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर के दो हिस्से आ गए और इसके अंदर गठन लग गई। ये हो गया जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप माला नहीं पहना सकते उसके ऊपर कैसे लगाना है। दोस्तों आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको गठन समझ में आ गई होगी, इसका जो इस्तेमाल, इसका जो काम है, ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे पास अभी तक नहीं जुड़े, हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल पर नए हो, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबा के ऑल कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो मेरा नया वीडियो आएगा अगले गठन के बारे में, जो भी टेक्निक के बारे में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, पहले मिले बाद में मिले उससे मतलब नहीं है। अगर आपकी इच्छा है सीखने की तो आपको नोटिफिकेशन जब भी मिले, आप सीखने की इच्छा रखते हो तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और मैं अभी से बता दूं अगला वीडियो क्या आने वाला है, इसलिए मैंने क्लोहिच को भी सिखाया आपको, तो क्लोहिच का इस्तेमाल करके हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं रोप का स्ट्रेचर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में स्ट्रेचर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।